तो बात करते हैं एटॉमिक मासेस की, तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सिंगल एटम का मास। तो एक सिंगल एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसका मास मेजर करना हमारे लिए तो एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ का मास मेजर करते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम एक वेइंग स्केल यूज़ करते हैं। तो वेइंग स्केल पे अगर आप इमेजिन करो कि हम मान लीजिए मेज़र करते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो आपको एक छोटा सा पीस अगर मेटल का रखना है, जैसे कि हम कॉपर मेटल का एक छोटा सा पीस उसके ऊपर रखते हैं जो एक रीडिंग दे दे, क्योंकि बहुत ही छोटा पीस रखा जाएगा तो वो वेइंग स्केल भी उसको मेज़र नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत छोटा पीस जिसकी रीडिंग आ सकती है वेइंग स्केल पे, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1×10^17 एटम्स होंगे कॉपर के, ठीक है। तो वेइंग स्केल से जिसको आप मेज़र कर रहे हो, आप एक एटम तो मेज़र करने का स्कोप ही नहीं रहा, वो जो आप छोटे से छोटा मास मेज़र कर पा रहे हो उसमें 1×10^17 एटम्स होंगे रफली। तो फिर क्या तरीका, अगर हम इसका एब्सोल्यूट एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेज़र कर सकते तो फिर हम इसका मेज़र करते हैं रिलेटिव वैल्यू। हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में मतलब एक किसी एक एलिमेंट का मास को हम फिक्स करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स के मास को हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये रेफरेंस जो थे ये टाइम टू टाइम चेंज होते गए। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो रेफरेंस लिया गया था वो हाइड्रोजन लिया गया था, फिर ऑक्सीजन लिया गया था। तो शुरुआत में हाइड्रोजन के एटम को रेफरेंस मान के हमने एटॉमिक मासेस डिफाइन किए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के एटम को रेफरेंस मान के हमने डिफाइन किया, और उसके बाद अब जो लेटेस्ट सिस्टम हम प्रेजेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक मासेस का, दैट इज़ बेस्ड ऑन C12 एज द स्टैंडर्ड। उसमें कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया हुआ, 1961 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, जो C12 है, ठीक है, कार्बन के भी डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो जो C12 आइसोटोप है उसको हम मान रहे हैं कि उसके एक एटम का मास हम 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसको हमने बोल दिया कि इसका मास 12 हम मान लेते हैं। 12 क्या, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स, AMU। तो एक एटम का वेट अगर हमने 12 AMU मान लिया तो 1 AMU कितना हो गया, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 12, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और ये मेजरमेंट के बाद अब फाइनली इसकी वैल्यू जो है, दैट इज 1.66×10^-24 ग्राम। अब यहाँ पर हम एक H एटम का मास लें तो वो कैलकुलेट करके आता है 1.008 AMU, और एक ऑक्सीजन एटम का मास 15.995, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 16 AMU, ठीक है। तो याद के रखना है कि एक एटम का एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक रिलेटिव मास की स्केल डेवलप की, जिसमें एक एटम ऑफ C12 को माना हमने 12 एटॉमिक मास यूनिट्स, तो 1 AMU हो गया 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम, और इसकी वैल्यू 1.66×10^-24 ग्राम। H एटम 1.008 AMU, ऑक्सीजन एटम अप्रॉक्सीमेटली 16 AMU, ठीक है। आज की डेट में जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट, दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो अब हम U में डिफाइन करते हैं इसको, AMU में डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास का फंडा क्लियर हो गया। अब इन पे आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं आने वाला है, इसको हम यूज़ ही करेंगे कि मासेस को आप ऐड करोगे तो मॉलिक्यूल का मास बनेगा, राइट। अब अगर हम एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं, देखो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन की हम बात कर रहे थे, तो कार्बन का एक C12 आइसोटोप भी होता है, C14 भी होता है, C13 भी होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। क्या सेम होते हैं, जेड उनका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिफर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अलग अलग न्यूट्रॉन्स की वजह से उनका जो टोटल मास है वो वेरी कर जाएगा, क्योंकि एक एटम के अंदर टोटल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इन तीनों का जो मास अगर हम मिला के देखें, दैट इज द मास ऑफ द एटम।
तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे तो मास भी तो वेरी करेगा ना, इसीलिए तो 12 कार्बन और 14 कार्बन में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से इनका जो मास नंबर है, एक का 12 है एक का 14 है, तो इनके मासेस भी वेरी करेंगे। तो ऐसे केस में जो एलिमेंट है कार्बन, उसका मास कितना मिलेंगे, तो उसका मास लेने के लिए हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो वी डिफाइन अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो वी कैन से दैट मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप, एक से ज़्यादा आइसोटोप उनके हो सकते हैं। जैसे कार्बन एग्जिस्ट एज C12, C13, C14, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन, ऑक्सीजन 16O, 18O। तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास हम लेंगे वो डिपेंड करेगा, देखो दो चीज़ों का अगर मेरे को एवरेज लेना है, एक वैल्यू है 40 और एक वैल्यू है 75, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय टू करूँगा, ये मानते हुए कि दोनों बराबर बराबर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर अगर दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे जो 100% बनेगा उसमें एक की कॉन्ट्रीब्यूशन मान लीजिए 20% है, दूसरे की कॉन्ट्रीब्यूशन 80% है, तब आप क्या करोगे, तब हमें कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, M1X1 प्लस M2X2 डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल X1 प्लस X2, ठीक है। तो M1X1 हुआ जो 20% है उसका मास, X हो गया उसकी परसेंटेज की 20% है, प्लस M2 दूसरे का मास, 80% उसकी परसेंटेज थी तो वो X2 आ गया। तो मतलब दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए ये फॉर्मूला लगता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय 100। A1 A2 क्या है, एटॉमिक मासेस हैं आइसोटोप्स के, और X1 X2 ये क्या है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम आइसोटोप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 कार्बन है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस दे ली हमने यहाँ पे 28%, और जो दूसरा कार्बन था 14C इसके ले लिए हमने मान लीजिए 2%, ठीक है। और 13C है, इसकी कुछ परसेंटेज ले लिया हमने, कितना बचेगा, ये 30 हो गया, ये मान लो हमने 70% ले लिया या 13 को कम कर दिया, तो कुछ भी है जो भी रिलेटिव अवेयरनेस ले ली, तो 12C की कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, 12 AMU इसके एक एटम का, 14 वाले का कितना हो जाएगा रफली 14 AMU, 13 वाले का 13 AMU, ठीक है। तो A1, A2, X1, X2, A1, A2, A3 क्या हो जाएंगे एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप, 12 AMU, 14 AMU, 13 AMU, परसेंटेज कितनी इनकी, रिलेटिव अबंडेंस 28, 2 और 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो जस्ट नोटेड डाउन, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम करते हैं, देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एटॉमिक एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस।